हो गया ऐलान, बज गया डंका, कांग्रेस को मिला नया मुख्यमंत्री, जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस की प्रचंड जीत ने नेताओं में जोश भरने का काम किया है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में रहेगी ये अभी तय नहीं हुआ है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी ने शपथ ग्रहण का दिन और तारीख तय कर दी है। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार 18 मई के दिन तय किया गया है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता के साथ साथ समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इतना सब कुछ तय होने के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल कांग्रेस ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, महासचिव जितेंद्र सिंह और पूर्व महासचिव दीपक बाबरिया को पर्यवेक्षक के रूप में चुना है। कांग्रेस ने 14 मई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई। सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्णय पर छोड़ने का फैसला किया है। वहीं जब विधायक दल की बैठक चल रही थी, तभी सिद्धार्थ मैया और डीके शिवकुमार के समर्थकों ने शांग्रीला होटल के बाहर नारेबाजी की। डीके शिवकुमार के करीबी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद से कम कुछ भी मंजूर नहीं, हमारे पास 75 विधायकों का समर्थन है। फिलहाल मैं कांग्रेस पार्टी के पास दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक डीके शिवकुमार, दूसरे सिद्धार्थ मैया। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी एक या दो दिन के अंदर सीएम के नाम पर मोहर लगा सकती है। इससे पहले डीके शिवकुमार ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। वहीं उन्होंने सिद्धार्थ मैया के साथ मतभेद की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ मैया और मेरे बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है, मैंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं और सिद्धार्थ मैया के साथ खड़ा भी रहा हूं, मैंने हमेशा ही उनका सहयोग किया है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।